अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रहें। कुक विद रूमी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बर्गर बन। चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 2.5 कप मैदा लिया है मैंने, मैदे को छान लिया है। 2 टीस्पून ईस्ट है हमारे पास। 1 अंडा ले लिया है। 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 पिंच नमक, 1/2 कप गरम दूध है, नीम गरम दूध है ये। 1 टेबल स्पून चीनी ली है मैंने। चलें डो तैयार करते हैं। बाउल में मैं दूध शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी, ईस्ट, इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ऑयल, अंडा, इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। दो कप या 1/2 कप, 2.5 कप मैदा डाल दिया है मैंने। अब नमक, मैं इसे मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा मैंने नीम गरम पानी ले लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा डालूँगी, बस जितनी ज़रूरत है हमें, ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से बन जाए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं डो तैयार कर लूँगी। डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी हाथ में। डो हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा सा ऑयल बाउल में डालूँगी। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसे रैप करके छोड़ दूंगी। डो को रखे हुए 1 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटे में देखें कितनी अच्छी राइस हो चुकी है डो हमारी। इसे पंच करके इसके एयर निकाल देती हूँ मैं। अब हम इसे बाउल से निकाल लेते हैं। थोड़ी देर मैं इसे हाथ से अच्छी तरह मसल लूँगी। स्मूथ सी डो तैयार है। अब मैं इसके रोल बना लूँगी। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। इसके मैं पेड़े बना लूँगी। मैंने एक पैन ले लिया है, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम पेड़े बना बना के रखते जाएंगे। इसी तरह सारे पेड़े तैयार कर लूँगी मैं। पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। सारे पेड़ों पे ऑयलिंग कर दी है मैंने। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। रखे हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, बन हमारे कितने अच्छे राइस हो चुके हैं। अब मैं इसमें मैंने अंडे की जर्दी ले ली है, ये मैं लगा लूँगी। बीच से एक पेड़ा मैंने निकाल लिया है ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए इसमें। मैं उसे अलग बेक कर लूँगी। सफ़ेद तिल ले लिया है मैंने, इसे मैं डस्ट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा।
बन के ऊपर। चलें इसे बेक कर लेते हैं। ओवन को मैंने 25 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 से 25 मिनट मैं इसे बेक करूंगी। बन हमारे अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब मैं इस पर थोड़ा ऑयल लगा दूंगी। अब मैं इसे 7 से 8 मिनट कवर करके छोड़ दूंगी। बन को रखे हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। देखें कितने नरम और सॉफ्ट बन तैयार हुए हैं। बन तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।